Hello friends, welcome back to my YouTube channel. My name is Neha and I'm an accounting trainer, blogger and blogger. So आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज असेसमेंट ईयर। तो बेसिकली सभी फाइनेंस रिलेटेड जो स्टूडेंट्स होते हैं, फाइनेंस सीखने वाले स्टूडेंट्स होते हैं, ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स होते हैं, उनका ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है कि फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर में क्या फर्क है। सो आज हम देखने वाले हैं कि असेसमेंट ईयर मतलब क्या। तो उसकी डेफिनेशन ऐसी जाती है कि द असेसमेंट ईयर इज द ईयर दैट कम्स आफ्टर द फाइनेंशियल ईयर। It is a period from the 1st of April to the 31st of March during which the income earned during the financial year is taxed. इसका मतलब है कि आपका जो financial year होता है, जैसे कि मैं example ले लेती हूँ कि अभी का जो financial year है वो है 22-23, मतलब 2022 to 2023। तो इसकी जो balance sheet है वो जो फाइल होने वाली है उसकी डेट होगी जुलाई 2023। सो कौन से ईयर में हमने जो इनकम अर्न की थी उसका टैक्स हम भरने वाले हैं, तो इट विल बी द फाइनेंशियल ईयर 23 to 24। ओके, गॉट इट। सो असेसमेंट ईयर मतलब क्या, जिस साल में आपकी इनकम जो आपने अर्न की थी पिछले फाइनेंशियल ईयर में वो अभी टैक्स होने वाली है। सो इन द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर वन मस्ट फाइल द इनकम टैक्स रिटर्न। सो प्रीवियस ईयर होता है इनकम अर्न और असेसमेंट ईयर होता है इनकम टैक्स। जिस साल या जिस ईयर में हम इनकम हमने जो अर्न किया था उसके ऊपर इनकम टैक्स पे करने वाले हैं वो होगा हमारा असेसमेंट ईयर। एक एग्जांपल ले लेते हैं वापस एक क्लेरिफिकेशन के लिए। इनकम अर्न बिटवीन 1st of April 22 एंड 31st of March 23, द असेसमेंट ईयर वुड बी 23-24, दैट इज ड्यूरिंग द असेसमेंट ईयर AY 23-24। ऑल राइट फ्रेंड्स, तो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आई होगी। अगर कोई डाउट्स होगे तो मुझे कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।